हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी बाय प्रोफेसर एस के सिन्हा हेलो माय डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे स्टूडेंट्स एम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे रेगुलर फॉलिसी मेथड एंड दिस मेथड इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल एनालिसिस ओके स्टूडेंट्स इससे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस से बाइसेक्शन मेथड और उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है तो रिविजन के लिए आप मेरे चैनल एम आई सी जाके देख सकते हैं ओके okay. तो स्टूडेंट्स आज मैं फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करेंगे रेगुलर पॉलिसी मेथड

टाइम टाइम टू रहे मैं प्रोफेसर एस के सिन्हा एम आई एस चैनल में आपका स्वागत करता हूं तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं रेगुलर फॉल् मेथड ओके सो प्लीज एंड मेक अ प्रॉपर नोट्स स्टूडेंट्स रेगुलर जो मेथड है दिस मेथड इज सेम एज बाई सेक्शन मैथड ओके okay. और बाइसेक् इससे पहले मैंने आपको बाई मेथड करवाया था पूरा डीपली आपको आपने उसको समझा था और क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए हैं ओके okay. तो रेगुलर फालसी जो मेथड है वही सेम एज द बाइसेक्शन मेथड ओके तो वहां पे भी जैसे हम इटेशन हम फाइंड आउट करते हैं वही सेम प्रोसीजर हम यहां अप्लाई करेंगे कि हमने कुछ इटेशन यहाँ फाइंड आउट करनी है कि किस इटेशन पे जा करके हम हमें जो है जो नंबर हम फाइंड आउट करेंगे ओके आफ्टर डेसीमल और बिफोर डेसीमल ठीक है ना वो किस तरह का है वो सेम है या नहीं है ठीक है ना तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि रेगुलर फालसी मेथड इज द सेम एज द बाइसेक्शन मेथड तो नोटबुक और पेन निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए सो प्लीज प्लीज एंड मेक अ प्रॉपर नोट्स ओके स्टूडेंट्स क्या है देखिए दी रेगुलर फॉल्सी मेथड रेगुलर फॉल्सी मेथड टू फाइंड अ रियल रूट टू फाइंड अ real रियल रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन is equal to इक्वल ठीक है स्टूडेंट्स कोई भी आपको इक्वेशन गिवन होगी बाइसेक्शन की तरह एफ एक्स वो आपकी वो आपकी पोलोमेल भी हो सकती है स्टूडेंट्स ओके okay? वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकती है और वो आपकी लोविथन भी हो सकती है ठीक है ना किसी में भी हो सकता है आपके पास तो इसलिए मैं लिखा कि रेगुलर फारसी मेथड टू फाइंड अ रियल रूट नंबर निकालने के लिए of the equation fx is equal to 0 and this method is similar as the hieascope and this method is similar to the bisection method is similar to the bisection method take yes, a string सो वी स्टार्ट द प्रोसीजर वी स्टार्ट द प्रोसीजर बाय चूजिंग टू पॉइंट बाय चूजिंग टू पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स टू पॉइंट्स से एक्स नोट एंड एक्स वन उसी तरह से बाईसेक्शन की तरह से एक्स नोट एंड एक्स वन सच दैट एफ एक्स नोट एंड एफ एक्स वन आर ऑफ दी अपोजिट साइन आर ऑफ दी Opposite sign. That is, that is, fx not fx1 एफ students less than स्टूडेंट्स to देन samjhe aap is point आप इस पॉइंट को मैंने क्या कहा आपको कि वी स्टार्ट दी प्रोसीजर बाय चूजिंग टू पॉइंट दो पॉइंट्स हम यहां पे ले लेते हैं स्टूडेंट्स कि एक्स नॉट और एक्स वन ठीक है ना तो सबसे पहले जो फंक्शन आपको गिवन होगा एफ एक्स वहां मैंने पुट किया एक्स नॉट जो भी पॉइंट मैंने पुट किया वहां पे सच देट एफ एक्स नोट और एक्स वन जो भी नंबर है हमारे पास तो जो हमारी कंडीशन क्रिएट हुई वहां पे एफ एक्स नॉट और एफ एक्स वन ठीक है ना जो फंक्शन में चेंज हो गया हमारा द फंक्शन चेंज इन टू एफ एक्स नॉट और एफ एक्स वन आर ऑफ द अपोजिट साइन यानी कि वो किस साइन में आएंगे हमें नहीं पता वो जो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है ठीक है ना नानी वन नाइटिव वन पॉजिटिव वन पॉजिटिव वन नेगेटिव ठीक है कुछ ऐसा इंटरवल हम पुट करेंगे वहां पे जिससे कि एक हमारी नेगेटिव हो जाए एक पॉजिटिव हो जाए ठीक है हमें जो कॉम्बिनेशन वहां पर लेना है वो लेना हमें नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन ठीक है स्टूडेंट्स सो देट इज एफ एक्स नॉट और मल्टीप्लाई एफ एक्स वन इज लेस देन जीरो ओके सो वी नाउ ड्रॉ स्ट्रेट लाइन अब यहाँ देखे स्टूडेंट्स मैं एक ग्रोफ यहां पे ड्रॉप करता हूं सबसे पहले कि लुक एट हेयर दिस इज योर एक्स एक्सिस ओके एंड दिस इज योर वाई एक्सिस ठीक है ना ऐसे राइट सो हेयर दिस पॉइंट इज एक्स नॉट दिस पॉइंट इज एक्स नोट एंड दिस पॉइंट इज एक्स वन ओके एंड एक्स टू इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू दिस इज योर एक्स टू पॉइंट ठीक है सुन ध्यान से देखिए आप ग्राफ ओके एंड दिस एक्स नोट इज पैलर टू वाई एक्सिस ऐसे Okay students and x1 in upward case this is your x1 parallel to y axis as say. Okay, so here and uh, this is your f x naught. Here you have to write f x naught एंड इन देशम वे दिस इज यूर एफ एक्स वन एफ एक्स वन ओके स्टूडेंट्स तो मैंने कहा कि नाउ वी ड्रो ए स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट एफ एक्स नोट एंड एफ एक्स वन देखिये स्टूडेंट्स नाउ वी ड्रो ए स्टेट लाइन look at here the key Now we draw a straight line. FX note title piece now now we draw a we now draw a straight line connecting the point connecting the points fx dot and fx1 and fx1 okay fx dot and fx1 and find and find where and find where it cut the axis it cut the axis dekhi students theek hai na where it cut the axis yani ye axis ko cut kar rahi hai this is your x axis and here this is the straight line okay and this point yahan pe jo point hai theek hai और ये जो है देखिए मैं इसको इस तरह से ये जो मैं कर ड्रॉ कर लेता हूँ एफ एक्स टू ये देखिए ठीक है And this point, look at here, this point is P x naught f of x naught. Take a strength. This is P point and point Q here. This point is Q and this is your x1 f of f, f, x1. Q point is x1 f of x1. Take a strength. And this make an angle theta here. Students, so this is your Fx1, Fx0, and this is your Fx1. Okay, and make an angle theta here. Okay, so the point Fx0 and Fx1, and find where it cut the axis. students. So Let us call this point. let कॉल दिस पॉइंट एक्स टू ठीक है स्टूडेंट्स जहां पे ये कट कर ये देखिए इस पॉइंट को लेकर के ठीक है ना तो मैंने क्या कहा कि अस कॉल दिस पॉइंट इसको हम ये मान लेते हैं इस पॉइंट को एक्स टू सो अस कॉल दिस पॉइंट एक्स टू ओके वी फाइंड एक्स टू ओके फ एफ एक्स टू एंड एफ एक्स नोट ठीक है स्टूडेंट्स अब यहां पर जो एक्स वन का जो क्रिएट हो गया वो हमारा हो गया एक्स टू में तो इफ एफ एक्स टू एंड एफ एक्स नोट आर ऑफ द अपोजिट साइन आर ऑफ दिट साइन Then we replace we replace X one by X two and draw a and draw a straight line and draw a straight line connecting connecting FX two and FX 0 take a difference. बात समझ में आई नहीं आपको कि, we find X2. Here, कि वी फाइंड एक्स टू ठीक है देखिए यहां पे लुक एट हेयर स्ट्रेट लाइन ओके एंड फाइंड वेयर इट कॉल दॉल पॉइंट एक्स टू उस पॉइंट को ले लिया मैंने एक्स टू अब एक्स टू जो है वो हमारा पुट होगा अगेन इन दफ एक्स ओके सो वी फाइंड एक्स टू एफ एक्स टू का मतलब है फंक्शन एफ एक्स की जगह पर हमने पुट किया एक्स टू एंड एफ एक्स नोट आर ऑफ द अपोजिट साइन देन वी रिप्लेस एक्स वन बाई एक्स टू एंड ड्रो अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग एफ एक्स टू एंड एफ एक्स नोट टू फाइंड दी अब इसके लिए किस किसके लिए नाउटो प्लीज टू फाइंड दी New iterations point to find the new intersection point to find the new intersection point. Take a strings Or if you fx two take na and f x 0 take a students. अगर एफ एक्स टू और एफ एक्स नोट आर ऑफ द सेम साइन अगर सेम साइन है उनके आर ऑफ द सेम साइन देन एक्स नॉट इज उस केस में एक्स नोट इज रिप्लेस्ड बाय X2 एंड प्रोसीजर इज द सेम एंड प्रोसीड एज बिफोर ऐसे लिखिए एंड पहले की तरह देखिए स्टूडेंट समझिए आप इसको जो मैं यहां पे लिख रहा हूं जो पॉइंट आपको मैं समझा रहा हूं इसको समझिए आप अगर मैंने उसमें इंटरवल पुट किया फंक्शन में ठीक है ना मैंने उसमें वैल्यू पुट की और ये कि अगर वो नेगेटिव मेरे पास दो पॉइंट हैं ये मैंने आपको पर तो मैं तो वैल्यू आ जाती है नेगेटिव ठीक है ना एक्स वन पे वही वो, वो वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव ठीक है ना अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम फाइंड आउट करेंगे ठीक है ना तो मेरे पास एनदर एनादर जो वैल्यूज आई है ओके बाई सेक्शन मैथड के अकॉर्डिंग दोनों को हम मिड पॉइंट वैल्यू निकालें दोनों को ऐड करेंगे टू से टू से डिवाइड करेंगे तो सपोज मेरे पास जो अनदर वैल्यू आई उसको मैंने डिनोट किया एक्स टू से ठीक है ना यानी कि क्या किया इसमें यानी कि एक्स नोट प्लस एक्स वन डिवाइड बाई टू दोनों को ऐड किया और मेरे पास जो वैल्यू आई वो इसकी वैल्यू आई और ये जो वैल्यू आई इसको मैंने दोबारा से कहाँ पुट किया फंक्शन एफ एक्स में दोबारा से फंक्शन में कहाँ पुट किया एफ एक्स में ठीक है और उस एफेक्ट्स में पुट करने के बाद मेरे पास जो साइन आया वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है अगर स्टूडेंट्स वो नेगेटिव साइन है अगर वो या मैं कहूं कि अब अगर वो पॉजिटिव साइन है वो अपोजिट साइन का मतलब है कि इन दोनों में से या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है अगर वो साइन पॉजिटिव है तो मैं कॉम्बिनेशन लूंगा एक्स टू और एक्स नोट का अगर वो पॉजिटिव है ठीक है ना नेगेटिव और पॉजिटिव का अगर वो नेगेटिव आती है तो फिर हम कॉम्बिनेशन लेंगे एक्स का और एक्स का यही चीज मैं यहां पर समझाना चाह रहा हूँ आप ठीक है ना कि एक्स नॉट इज रिप्लेस बाय एक्स टू अदरवाइज एक्स वन इज रिप्लेस बाय एक्स टू यह दोनों कंडीशन यहां पे हो जाएंगी एंड प्रोसीजर जो भी है वो सेम हम अप्लाई करेंगे वहां पे ठीक है तो चलिए ठीक है अब लिखिए इन बोथ केस इन बोथ केसेस in both cases the new search interval the new search interval the new search interval is smaller than the straight lines now look at here in both cases the new search interval is smaller than Smaller than the previous search interval. Taken an a friends. And ultimately it will converge. And ultimately it will converge. कन्वर्स टू अ रूट ओके तो द्राफ ऑफ दर्व ओके अब ये जो तो ग्राफ है द ग्राफ ऑफ दर्व कैन बी टेकन एज can be taken as a can be taken as straight line thus the coordinate of the point the coordinate of the point P and Q22 point up give us this point is P and this point is Q. Okay, so their coordinates of the point P and Q. Intersection of the line, intersection of the line joining the point. ऑफ़ दी पॉइंट पी एंड क्यू ऐसे लिखिए इसको आप दस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू ज्वाइनिंग बस यहां तक लिखिए कि दस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट या ऐसे लिखेंगे यहां पे इसको पी और क्यू को मैं यहां से काट देता हूं कि दस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दस कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दस द इंटरसेक्शन दस द कॉर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द प्वाइंट ऐसे लिखिए आप इस सेंटेंस को दस द कॉर्डिनेट ऑफ ऑफ द ऑफ द इंटरसेक्शन दस द कॉर्डिनेट दस द कॉर्डिनेट ऑफ द प्वाइंट ऐसे ऑफ दी पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे लिखिए कि दस दी कोऑर्डिनेट ऑफ दी पॉइंट ऑफ दी इंटरसेक्शन ऑफ दी इंटरसेक्शन ऑफ दी लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट ज्वाइनिंग दी पॉइंट पी एंड क्यू ओके विद एक्सिस विद एक्सिस ओके So given as approximate value given as approximate value of the root essay take a spinnce तो यहाँ पे ये जो लाइन है सेंटेंस को आपको ऐसे बनाना है कि दस दी कोऑर्डिनेट ऑफ दी पॉइंट ये जो पॉइंट पी और क्यू हैं ओके दस दी कोऑर्डिनेट ऑफ दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है स्टूडेंट्स इसलिए इस मैं इस लाइन को मैंने ऐसे बनाया कि दस दी कोऑर्डिनेट ऑफ दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी लाइन जॉइनिंग दी पॉइंट p एंड q विद x एक्सिस ओके गिवन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ the रूट ठीक है स्टूडेंट्स सो द इक्वेशन ऑफ नोट कर लिया स्टूडेंट्स अब लिखिए अब यहां पे मैं टू पॉइंट फार्मूला यूज करूंगा इन्हीं कोऑर्डिनेट पे P पे P और Q पे ठीक है ना यानी कि जो ये पॉइंट है P और Q हमारे जो पॉइंट है यहां पर फार्मूला यूज करूंगा कैसे करूंगा वो देखिए आप चलिए आपने नोट कर लिया है इसके बाद के माई डियर स्टूडेंट्सर दिस स्टेप चलिए अब हमारे पास रह गया कुछ न्यूमेरिक्स इसमें द इक्वेशन ऑफ दी कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट

नौ यूजिंग टू पॉइंट फॉर्मूला इन इट ठीक है स्टूडेंट्स तो दिस इज योअर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ठीक है स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है हमारे पास देखिए टू पॉइंट फार्मूला बिकॉज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन दिस इज योअर टू पॉइंट फार्मूला ठीक है स्टूडेंट्स तो अब ये x1 है ये x1 y1, x2 y2. ठीक है स्टूडेंट्स सबसे पहले y माइनस वाई वन तो y माइनस वाई वन का मतलब क्या है y माइनस एफ एक्स डॉट इज इक्वल टू y2 टू माइनस वाई वन एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन यानी के फार्मूला यूज किया डेट इज खाली टू पॉइंट फॉर्मूला फ्रॉम द्वार पी एट हि एक्स नॉट एफ एक्स नोट एंड क्यू एक्स वन एफ एक्स वन ठीक है तो द कोऑर्डिनेट द एक्स कोऑर्डिनेट राइट ऑन पेज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इसको ले लिया मैं इक्वेशन नंबर वन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Of this line, of this line PQ of this line with x axis, okay. The coordinate of the point of the intersection of this line with x axis is given by. ज गिवन बाय पुटिंग वाई इज इक्वल टू जीरो पुटिंग वाई इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर वन देन वी गेट देखिए स्टूडेंट वाई इज इक्वल टू जीरो मैंने यहां पुट किया इक्वेशन में तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस एफ एक्स नोट Is equal to y is equal to 0 it, the coordinate of the point of intersection of this with x axis is given by putting y is equal to 0 okay in equation number 1 so then we get minus fx naught is equal to f of fx naught divided by x1 minus x naught into x minus एक्स नॉट ठीक है स्टूडेंट्स अब मैं क्या करता हूं यहां पे देखिए इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं चलिए स्टूडेंट्स ओके तो दिस मैं इधर ले गया और इसको मैं इसके नीचे ले गया उठा गया एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई माइनस एफ ओफ एक्स नोट और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन देन यू गेट द सेम ठीक है स्टूडेंट्स तो ये माइनस है तो साइन में चेंज कर देता हूं तो दिस इम्प्लाई दैट एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट बाय एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू येयर दिस इज माइनस तो यह हो जाएगा एक्स नॉट माइनस एक्स डिवाइड बाय ओफ एक्स नॉट ठीक है स्टूडेंट्स एंड दिस इम्प्लाई डेट और देखिए एक्स नॉट माइनस एक्स को इसको मैंने इज रख लिया और एफ एक्स नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि ये हो गया एक्स वन माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इन टू एफ इन टू एक्स नॉट ठीक है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया अब यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रेंस यहाँ पे कि मैंने आपको बताया था कि X नोट और x1 वन रिप्लेस बाय एक्स ठीक है ना यानी कि यहां से अब हमारी सेकेंड जनरेशन शुरू हो जाती है तो मैं ये जो x1 है मेरा तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं और देखिए तो नाउ दिस इंप्लाई डेट मैं इसको लिख लेता हूं x1 को ये जो X है ना देखिए मैं इसको लिखता हूं x2 ठीक है ना क्योंकि अब ये हमारा चेंज हो गया x2 में तो दिस इज इक्वल टू एक्स नोट को इधर ले जाता हूं हाँ, चलिए इसको थोड़ा सा और मैं कर लेता हूं चलिए मैं इसको एक स्टेप और यहां मैं थोड़ा सा जो है ना आपके लिए बता देता हूं कि दिस इंप्लायड एट ओके तो स्टूडेंट्स यहां पे मैं एक्स को x को मैं इधर ले जाता हूं x इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस एक्स वन माइनस एक्स नोट डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट देखिए स्टूडेंट्स ठीक है ना इसको x को मैं इधर ले गया यानी कि और x नोट को इस तरफ तो अब इसको मैं लिखता हूं वाई एक्स टू की फॉर्म में ठीक है ना तो चलिए

हाँ, क्योंकि यहां से अब हमारी सेकेंड इटरेशन शुरू हो जाती है इसी तरह से फिर हम ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे फिर x3 x4 x5 x6 x7 x एक्स सेवन एक्स एंड एन टू सो ऑन एक्स एन ठीक है ना तो अब इसको n फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स देखिए कि चलिए इसको n की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे कि रिप्लेसिंग एडम प्लीज रिप्लेसिंग एक्स टू by xn plus 1 and n varies from 1 to n to so on x2 by xn plus 1 okay x1 by xn and x0 by xn minus 1 okay the equation number 2 this equation number 2 can be written as then इक्वेशन टू कैन बी रिटन एजुडें एक्स टू रिप्लेस बाय एक्स एन प्लस वन दिस इज इक्वल टू एक्स नोट एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स वन यानी कि एक्स एन माइनस एक्स नोट एक्स एन माइनस वन डिवाइड बाय जी एफ ओफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन इन टू एफ एक्स नोट एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन ये हो गया स्टूडेंट्स ठीक है या तो हम इसको यहीं छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए तो हमारे पास ये आ जाएगा दिस इंप्लाय डेट एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू इसको एल्सिम ले देता हूं मैं तो एक्स एन माइनस वन इन टू एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन ठीक है ये और माइनस एक्स एन हम इसमें एल्सियम लेते हैं माइनस एक्स एन माइनस वन ऐसे कीजिए इसको और एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन ठीक है डिवाइड बाय एल्सियम क्या लिया आपने एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन ठीक है स्टूडेंट्स तो देखिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास चाहिए ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ दिस इंप्लाई दैट एक्स एन प्लस वन दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसे एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ़ एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ़ एक्स एन माइनस वन ओके इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे माइनस एक्स एन एफ ऑफ़ एक्स n-1 minus 1 minus minus plus plus x n minus 1 f of x n minus 1 divide by divide by f of x n minus f of x n minus 1 take a so this is positive and this is your negative cancel and this implies that xn plus 1 xn plus 1 is equal to xn minus 1 f of xn minus xn f of xn minus 1 divided by f xn minus f of xn minus 1

ठीक है स्टूडेंट्स इसी तरह से आप रेगुलर फालस मेथड में इसलिए मैंने आपको कहा कि रेगुलर फाल्स मेथड इज सेम एज दाई सेक्शन मेथड ओके तो इसमें भी हम एक लेंगे ट्रेशन नंबर वन है जैसे तो ट्रेशन नंबर वन में हम लेंगे कि पुट एन इज इक्वल टू वन जो हमारे पर कंडीशन होगी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस तो हमारे इंटरवल कैसे हैं नेक्स्ट रिट्रेशन पे जाएंगे सेकेंड पे जाएंगे थर्ड पे फोर्थ पे फिफ्थ पे और लास्ट रिटेशन में भी टेन इलेवन जो भी है ठीक है ना तो लास्ट रिट्रेशन हम देखेंगे कि जो हमारी वैल्यूज है वो स्लाइटली यानी कि कैसी है सिमिलर एज दी प्रीवियस वैल्यू ओके सिमिलर एज दी प्रीवियस वैल्यू एंड स्टॉप यूअर इट्रेश्स एंड देन वी गेट द आंसर ओके तो ये था स्टूडेंट्स आपका रेगुलर फास्ट मेथड जो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है और इसके बाद भी स्टूडेंट्स अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टूडेंट्स जो भी आपको प्रॉब्लम है और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करूंगा डेफिनेटली ओके okay, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको रेगुलर फाल्सी मेथड कैसा लगा समझ में आया जो भी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ओके okay, और लेक्चर को लाइक करना मत भूलिए ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर्टिकल थ्योरम्स इसी तरह से कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी बेस्ट